नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं सेंट 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के हम खबरों पर। बिलाईगढ़ ब्लॉक के नगर भड़गांव निवासी रमेश चंद आजाद ने दीपक अजय पटवारी गणेश साहू नायब तहसीलदार ममता ठाकुर पर षड्यंत्र पूर्वक रीड पुस्तिका से नाम काटने की आरोप लगाते हुए SP व कलेक्टर बलौदा बाजार से शिकायत किया है, जबकि तहसीलदार पटवारी का कहना है आरोप पूरी तरह गलत है। दरअसल मामला नगर पंचायत भड़गांव की वार्ड नंबर 15 का है। पीड़ित रमेश चंद आजाद पिता लच्छीराम नगर पंचायत भड़गांव निवासी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि रमेश चंद का चाचा तीरथ राम की कोई संतान नहीं होने एवं उनकी पत्नी दरसमती नर्मदा द्वारा छोड़कर चले जाने के कारण तीरथ राम अकेले हो गए थे और खान पान रहन सहन करने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में तीरथ राम अपने भतीजा रमेश चंद आजाद के पास रहने लगे। बढ़ते उम्र को देखते हुए रमेश चंद की सेवा जतन से खुश होकर चाचा तीरथ राम ने अपनी चल अचल संपत्ति को रमेश चंद के नाम पर पंजीकृत वसीयत नामा तहसीलदार कार्यालय बिलाईगढ़ में गवाहों के समक्ष 7 फरवरी 2017 को कराए, जिसमें तीरथ राम की मृत्यु पश्चात उसकी गदगंगा क्रियाक्रम सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार रमेश चंद करेगा और मृत्यु के बाद वसीयत नामा के अनुसार तीरथ राम की सारी संपत्ति पर रमेश चंद काबिज हो जाएंगे और पटवारी भू अधिकार अभिलेखों में तीरथ राम का नाम कटवा कर अपना नाम जुड़वा लेंगे। तीरथ राम की मृत्यु 28 मई 2018 को हो गए। मृत्यु होने की कुछ माह बाद रमेश चंद की वसीयत नामा वाले मकान को तोड़कर उसके चाचा शशि किरण ने प्रधानमंत्री आवास बनाना शुरू कर दी। इस बात की जानकारी रमेश चंद को मिलने पर चाचा शशि किरण को भवन नहीं बनाने के लिए बोला गया तो शशि किरण रमेश चंद को गाली गलौज मारपीट की धमकी देने लगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का भवन स्वयं की जमीन पर बनाने का प्रावधान है और रमेश चंद की वसीयत नामा की जमीन को स्वयं का बताकर शपथ पत्र भरकर शासन को गुमराह करते हुए भवन निर्माण करने का कार्य किए हैं। इसकी शिकायत नगर पंचायत भड़गांव तथा नायब तहसीलदार भड़गांव के पास आवेदन कर भवन में रोक लगाने एवं वसीयत नामा के अनुसार वसीयत नामांतरण करने के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन नायब तहसीलदार पटवारी द्वारा मेरे पक्ष में जालसाजी पूर्वक सुनवाई कर अनावेदक के पक्ष में काम किए और प्रकरण को बंद कर दिए हैं। पीड़ित रमेश चंद ने आगे बताया कि भूमि का फौत नामांतरण व अन्य दस्तावेज में कूट रचित जाली ढंग शशि किरण के पुत्र दीपक अजय द्वारा पटवारी गणेश राम साहू नायब तहसीलदार ममता ठाकुर भड़गांव से लेन देन कर फौत नामांतरण फर्जी ढंग से मेरे चाचा तीरथ राम का मृत्यु 25 मई 2018 को 3 दिन पहले मृत्यु होना बताकर नामांतरण पंजी में उल्लेख कर फौत नामांतरण पटवारी के द्वारा दिया गया है, जबकि मेरे चाचा का मृत्यु 28 मई 2018 को हुआ है। शशि किरण का पुत्र दीपक अजय ग्राम पटवारी भड़गांव के पास ऑपरेटर का काम करता है, जिसका पूरा फायदा मेरे चाचा शशि किरण ने फर्जी मौत नामांतरण करने में उठाए हैं। B1 की नकल हल्का नंबर 29 राजस्व मंडल भड़गांव तहसील बिलाईगढ़ का वर्ष 2017-18 की नकल 27 फरवरी 2018 का नकल लिए हैं, जिसमें लक्ष्मीराम तीरथ राम शशि किरण दुशीला सभी का नाम खाते में शामिल बता रहे हैं तथा पुराना पर्ची में सभी का नाम सम्मिलित दर्ज है। मेरे चाचा शशि किरण का पुत्र दीपक अजय हल्का पटवारी गणेश राम साहू के साथ पटवारी कार्यालय में काम करते हैं और मेरे पिता लक्ष्मीराम व चाचा तीरथ राम का नाम षड्यंत्र कर काट दिया गया है, जिसमें पटवारी गणेश राम साहू एवं नायब तहसीलदार ममता ठाकुर का सहयोग है, जिसकी जानकारी भुया भू अभिलेख कंप्यूटरीकरण छत्तीसगढ़ से B1 नकल लेने से हुई है और वसीयत नामा नामांतरण के लिए दर दर तहसीलदार SDM कार्यालय की चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। रमेश चंद ने कलेक्टर SP SDM से जांच कर दोषियों पर उचित कार्यवाही कर न्याय दिलाने की मांग किए हैं। इस संबंध में नायब तहसीलदार भड़गांव ममता ठाकुर से संपर्क किया गया पर नहीं हो पाया। वहीं पटवारी गणेश राम साहू पटवारी हल्का नंबर 29 भड़गांव से दूरभाष से चर्चा करने पर कहा कि मैंने सभी का नाम नियमता लिखा है, किसी भी प्रकार से गलत कार्य नहीं किया हूं, लगाए जा रहे आरोप गलत है। मेरे चाचा तीरथ राम अजय क्या भी संतान औलाद नहीं था, ये संतान थे उसके औलाद नहीं था, जिसे उसके उम्र के हिसाब से वो
मेरे पास आए और मैं उसके सेवा जतन कर रहा था। उसके हर चीज़ को इलाज जो जैसा है सब मैं मेरे सेवा से खुश होकर मेरे चाचा ने मेरे नाम से बिलईगढ़ में पंजीकृत वसीयत बनाया था, जिसमें अपने चल अचल संपत्ति को मेरे नाम दो गवाहों के समक्ष किया था 7/2/2017 को। मेरे चाचा के देहांत होने के बाद 2-3 माह बाद कब हुआ था 28/5/2018 को उसकी मृत्यु हुई। मैंने न्यायालय में आवेदन 8/1/2019 को आवेदन पेश किया था। किसके संबंध में? मेरे मकान जो चाचा छोटे चाचा शशि किरण ने मेरे जो वसीयत के मकान को तोड़कर अपने प्रधानमंत्री आवास योजना बना रहे थे अपने नाम से, इसे रोक लगाने के लिए मैंने मैडम के पास 8/1/2019 को मकान और नामांतर के लिए आवेदन पेश किया, जिसमें मैडम द्वारा हल्का पटवारी को जांच प्रतिवेदन का आदेश दिया। जब जांच होने के बाद जांच में जो पटवारी आए उसने उन लोगों के पक्ष में पंचनामा बनाकर मैडम के पास पेश किया, जो कि गलत है। किस प्रकार की उसके पक्ष में आदान बनाए? जैसे मेरे चाची धरसमती उनका नाम पर्ची में नहीं था, उसमें सिर्फ 3 भाई और 1 बहन। किसके इसके नाम? लक्ष्मी राम, तीरथ राम, शशि किरण और दुशिल्ला पिता कार्तिक राम, इन चारों के नाम से जमीन है जो शुरू से चला आ रहा है। इस पर पटवारी के द्वारा दरसमती का नाम उल्लेख कर ममता ठाकुर के पास जांच प्रतिवेदन पेश किया। उसके बाद मेरे मकान के जो तोड़कर बना रहे थे उसको मैडम जी ने उस आवेदन को अनदेखे करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, इसमें सिर्फ मेरा नाम नामांतर का ही केस दाखिल किया गया है, जो कि उसी की सुनवाई किया गया है, जिसमें मैडम द्वारा मेरे समय अवधि में किसी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं थी। कब सुनवाई की? इसका 8/2/2019 दावा आपत्ति का लास्ट समय 8/2/2019 था। उसके 2 माह बाद भी मैडम द्वारा नामांतर नहीं किया गया। फिर ये 6/5/2019 को मैडम द्वारा जो दावा आपत्ति का समय नहीं था उसे समय में उस बताकर आवेदन लिया गया 6/5/2019 को, उसमें शशि किरण द्वारा दावा आपत्ति का आवेदन पेश किया जो त्रुटिपूर्ण है। किस प्रकार की? उसमें धरसमती का नाम उल्लेख करके उसको पेश किया, जो मकान की जमीन जो 3 बताकर वो लोग निरस्त करवाए थे वो 4 जमीन का है। पटवारी से मेरे को भी नकल लेने में 4 जमीन का ही नंबर दिया गया और वो लोग भी, पर मैडम द्वारा उसे 3 कहकर मेरे केस को खारिज कर दिया और मेरे जो पंजीकृत वसीयत थी ममता ठाकुर और गणेश भट्टाचार्य फर्जी तरीके से किया गया कहकर मेरे केस को खारिज कर दिया। मेरे पर्ची जो है ओरिजिनल पर्ची मेरा भाई दीपक अजय मेरे घर से मेरे पिताजी से मांग कर ले आया कि जाति निवास बनाना है, उसके बाद उसने पूरे पर्ची में छेड़खानी किया। मेरे चाचा तीरथ राम अजय के जगह में मेरे चाची दरसमती का फोटो लगा दिया और जितना पर्ची से उन लोग का नाम जहां काटना है वहां काट देते हैं, जहां जोड़ना है वहां जोड़ देते हैं, बस इस तरह वो लोग का वेबसाइट है यानी हैंकर वाला काम करते हैं। किसी नंबर दूसरे दिन अगर वेबसाइट में या किसी भी मोबाइल से भूमि अभिलेख देखने पर उसकी गलत जानकारी मिलता रहता है, निकालने के बाद गलत जब उससे आवेदन करेंगे तो उसमें गलत नाम रहता है। इसी तरह मेरे साथ के इसका आवेदन मैंने कलेक्टर के पास किया, कलेक्टर से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जन दर्शन में भी आवेदन लगाया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। नगर पालिका में भी लगाया, नगर पालिका में भी कुछ नहीं हुआ। नगर पंचायत
नगर पंचायत भड़गांव में लगाया, वहाँ भी मकान पर किसी तरह का कोई रोक के उल्लेख नहीं किए ना, उसमें कोई न्याय मिला मेरे को। अभी तक मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ। अभी अभी की क्या स्थिति है, अभी सुनवाई में क्या क्या और आए हैं तथ्य सामने? सुनवाई में ये मेरे जो है 24/2/2000 को में माननीय न्याय तहसीलदार द्वारा, जैसे मैंने जो B1 दिया था उसमें 5 खेत उल्लेख है, तो उसे ममता ठाकुर के B1 पटवारी गणेश राम साहू द्वारा 3 बताया गया है और दरसमति को पक्षकार नहीं बनाया गया है और 3 खेत की जानकारी दिया गया है जो सत्य है कहकर मेरे जो आवेदन है उसको ममता ठाकुर द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसकी अपील मैं SDM कार्यालय में लगा चुका हूँ। मेरे जमीन जो मेरे कब्जे में थे, मैंने जिसे अकरासी जोत कर रखा था, उस पर वो जबरदस्ती। अच्छा, एक और मामला जैसे सामने आ रहा है, इसमें जैसे आपका वसीयत नामा की जो जमीन है जिसका नामांतरण आपके नाम से होना है, तो आपकी चाची का नाम जो दरसमती जो है ना, उसका नाम जुड़ गया है, उसके संबंध में आपका क्या कहना है अभी डेट में? बस वो फौत नामांतर में फर्जी तरीका से करके उसे जोड़ा गया है। अच्छा, ये कृत्य में यानी उसका फौत नामांतर किया गया है। मेरे चाचा की मृत्यु 28/5/2018 को हुई है, पटवारी द्वारा उसे 25/5/2018 किया गया है और 20/8/2018 को यानी मैडम द्वारा आदेशित किया गया था और 71 क्रमांक 20/8/2018 जो कि तारीख जो है बैक डेट में उसे सुधार कर माननीय न्यायालय ममता ठाकुर द्वारा किया गया है, जो 08 को लोग 20/8 जो संक्षिप्त फोटो कापी जो उससे मैंने नकल ली है उसमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे पंजीकृत आपका रजिस्ट्री हुआ है, उसके आधार से माने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या आपका नामांतरण करने की कोशिश तहसीलदार द्वारा किया गया कि नहीं किया गया? नहीं किया गया है। मेरे जो वसीयत के आधार पर मेरे साथ कुछ नहीं किया गया, आवेदन त्रुटि पूर्ण करके उसे नस्तबंद खारिज कर दिया गया और मेरे नाम से थाना में FIR करते हैं कि ये 420 किया है, ऐसा किया है, जिसे मेरे को डरा धमका कर वो करते गए हैं। अभी फिलहाल का अपील कहाँ किए हैं इसका? दूसरा SDM ऑफिस, और जो वो किए थे मैडम उसका मैं स्टे आर्डर भी हो चुका है, जिसे मानने से इनकार कर रही थी। क्या चाहते हैं आप? मैं उन लोग पर करवाई जाता हूँ, जो मेरा नामांतर है वो मेरे हक में है, अधिकार है, वो मुझे मिलना चाहिए और ये लोग जो गलत किए हैं उन लोग को उसकी सजा मिलना चाहिए। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट ACN 24।